उतारो अपने पीछे। रुकिए भाभी। माँ पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। फिर भाई आप तो रोको ना माँ को। आपको पता है ना भाभी ने इस घर के लिए क्या क्या किया है। देखो पापा को, कल तक व्हील चेयर पे थे, आज अपने पैरों पर खड़े। और आप, आपने कल माता रानी पर चुनरी चढ़ाई थी ना, ये सब किसकी वजह से हुआ है? भाभी की वजह से। ये सही करके भी गलत है। आप कब तक ऐसे शांत रहने वाले हो, कब तक ऐसे खड़े रहने वाले हो, बताओ मुझे। ये मेरा घर है, यहाँ नियम भी मेरे होते हैं, फैसले भी मेरे, और सजा भी मैं ही देती हूँ। उतारो अपनी बिछिया। आपकी और हमारी किस्मत ना एकदम एक जैसी, फोटो कॉपी। आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आपको ये वर्दी त्यागने की सजा मिली थी। आज हमारे भी कोई गलत इरादे ना है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे को अपनी पिछा त्यागने की सजा मिल रही है। मुझे आज उसकी पिछिया उतारने पर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? आपने मारे को ये बिछिया पहनाई थी ना? आज मैं इसे आप ही को सौंपती हूँ, लेकिन मैं एक बात सबको कहना चाहती हूँ कि थानेदार सा का खोया हुआ मान सम्मान, उनकी वर्दी, उसे वापस लाने के लिए मेरे को जो सही लगेगा मैं वो सही कदम उठाऊंगी, और इसके लिए मैं किसी की भी परमिशन ना लूंगी। भले मेरे को हर दिन कोई नई सजा मिले, मेरे को वो सारी सजा मंजूर है, लेकिन मैं थानेदार सा की वर्दी वापस ला कर रहूंगी। ये मारा बुलबुल प्रॉमिस है। पता है थानेदार साहब, मासा के कहने पे आपने मारी पिछिया तो ले ली, लेकिन इस समय आप 100% मारे से ज्यादा बेचैन हो रहे होंगे। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर नाई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गांव में खुल के गीत की ओ जी। मेरा गुस्सा इतनी आसानी से कम नहीं हो सकता राशि, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बुलबुल की बिछिया उसे वापस कर दी तो उसने ये सोच लिया हो कि मैंने उसे माफ कर दिया है? और तो और माँ क्या सोचेगी, और उन्हें कितना बुरा लगेगा। वीर, वीर शांत हो जाओ। इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन क्या सोच रहा होगा, इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम बुलबुल की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं देख सकते, इतना प्यार करते हो उससे। मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ राशि, क्योंकि वो वही इंसान है जिसकी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया, सब कुछ मुझसे दूर चला गया, मेरा सपना, मेरा वजूद, मेरी असलियत, मेरी वर्दी, सब कुछ तो छिन गया ना मुझसे। और मैंने उसकी पिछिया उससे इसीलिए वापस किए क्योंकि
इस गलती की वजह से उससे उसकी बिछिया छीनी गई, उसमें उसकी कोई गलती थी ही नहीं। और जब किसी की गलती ना हो तो फिर उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसके एक ख्याल से ना राशि, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे गुस्सा आता। और फिर दूसरे ही पल मेरी आंखों के सामने उसका मासूम चेहरा आ जाता है राशि, क्योंकि आज भी मेरे दिल में उसकी साफ नीयत, उसका वो मासूम चेहरा, उसका वो बुलबुलापन छुपा हुआ। पर फिर मेरा दिमाग मुझे कहता है, ये वही इंसान है जिसने बार बार तुझसे झूठ बोला वीर। अब जाकर भी मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता राशि। वीर, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, पर जंग में जीत सिर्फ एक की होती है। और जब ये जंग दिल और दिमाग के बीच छेड़ी जाती है ना, तो जीत हमेशा दिल की होती है। फिर चाहे तुम कितनी भी स्ट्रेटेजी अपना लो, सब फेल है। चाहो तो लिखवा लो मुझसे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने उस वार्डन का पता लगाया, वो आजकल बाल सुधार गृह में नहीं बल्कि महिला सुधार गृह में काम करती है, और बहुत समय से तो वह यहाँ पे नहीं थी, लेकिन आज आ जाएगी। ओले, क्या? भाभी, बेस्ट फ्रेंड, बैठ जाओ। भाभी, बैठ जाओ। भाभी, कैफे। सॉरी सर। सिद्धार्थ भाई, आपका बहुत बड़ा वाला था। अब बस हमें उस वार्डन से वो सच्चाई निकलवानी कि उस रात बाल सुधार गृह में उसने हमारे खाने में बेहोशी की दवाई क्यों मिलाई और किसके कहने पर मिलाई। इसने हमारे थानेदार साहब को फंसाया और वहाँ मीडिया को बुलाया। भाभी, उस दिन जो मैं खाना लेके आया था, आपने वही खाना खाया था ना? आप इसको ऐसे ही अंदर नहीं लेके जा सकते, पहले हमें चेक करना पड़ेगा। आपने रजिस्टर में एंट्री किया? नहीं। आप रजिस्टर में एंट्री कर लीजिए, तब तक मैं इसको चेक कर लेती हूँ। हो ना हो, उस वार्डन ने चेकिंग के बहाने उस खाने में कुछ मिला दिया था। और मैंने याद है, बेहोश होने से पहले वो औरत उस रात फोन पे किसी से बात कर रही थी, और वो कह रही थी, आज उस एसीपी वीर प्रताप सिंह का काम ना खत्म ही समझो। लेकिन मैं ये पता ना लगा पाई कि वो किससे बात कर रही थी। अब बस कुछ भी करके हमें वो 5 केक पर्दाफाश करना होगा। 5 केक? हाँ, कब, क्यों, कहाँ, किसके लिए और किसके साथ। तो बेस्ट फ्रेंड, प्लान क्या है? हाँ भाभी, प्लान क्या है? सुलझा देगी सारी गुत्थी हमारी 90% तेज बुद्धि। खम्मा गणी, बैठ जाओ। हाँ, बैठो। चोरी, मारा एक काम करेगी के? के काम से काकी? बदले में मैं ताजे ताजे हरियाली पेड़े से थारा मुंह मीठा करा दूंगी। देख 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 देख। कितने पैसे देगी और करना कैसे? अरे, इतनी क्या उतावली हो रही है? बैठ बैठ। देख, मारी बिंदनी इस महिला सुधार गृह में चोरी के इल्जाम का मैंने झूठा गवाही दी थी। तो इसमें मैं क्या करूँ? तू उसको खिला पिला के बेहोश करा दे। हाँ, तो मैं तलाक के कागजात पर उसका अंगूठा लगवा दूँ। हाँ, काम हो जाएगा। हाँ? बेहोश की दवाई मिलाने के लिए कुछ खाना वाना लाई हूँ। हाँ, तो देख ले। तने खिलाने डंडे जरूर लाई। महिला सुधार गृह में थारी ड्यूटी है ना,
उसके बावजूद सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत तो थारे को ही है। आज तो रंगे हाथों पकड़े गई है तू, रिश्वत लेते हो। रंगीला जी, रसीला जी, जरा देखना। मैडम जी के डंडे के आगे ना अच्छे अच्छे ठंडे हो जावे। क्यों रसीला जी? बिल्कुल सही कहा रंगीला जी आपने, बड़े दिनों से थारे पे बड़ी नजर रखी थी लेकिन पकड़ में ही ना आ रही थी, सबूत नहीं था ना। लेकिन छछुंदरी अब तो पकड़ में आ ही गई है, वो भी सबूत समेत। अब थारे को जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का ही पानी पीना पड़ेगा। मैडम जी मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये पहली और आखिरी बार हुआ है। झूठ? थारे पिछले और आगे के रिकॉर्ड सब है हमारे पास, तूने पहले भी ऐसे ही रिश्वत के पैसे हजम करके ऐसे काम किए, चल सच बोल। मैडम जी मरने लगता है ये ऐसे ना मानेगी, मैं तो कहता हूँ इसे जेल की यात्रा करा ही देते। ना ना मैडम जी मैं सच बोल रही हूँ, झूठ ना बोल रही हूँ, इससे पहले बस मैंने एक बार ऐसा किया है, वो एसीपी वीर प्रताप सिंह उनकी पत्नी बुलबुल वो थोड़े दिन पहले एक सुधार गृह में आई थी, तब मैं वहीं पे काम करती थी और मैंने उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, मुझे माफ कर दो।